सो फाइनली दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जेन्युइनली आज दिन तक मेरे चैनल पे ऐसा वीडियो कभी भी नहीं आया है और ना मैंने इस बारे में बनाने के बारे में सोचा है, लेकिन आप लोग के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, आप लोग इतना ज़्यादा मुझे पूछ रहे हो कि भाई चलो ये बात तो मानते हैं कि आप एक नया टैटू की केयर कैसे करें, एक नया टैटू अच्छा टैटू कैसे बनाए, लेकिन किसी रीज़न से हम एक अच्छे से टैटू को जो हमने टैटू बनवाया है उसे हम रिमूव करवाएं तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सर, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कैसे आप अपने टैटू को रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप अपने टैटू को रिमूव कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो वो वीडियो का एंड तक आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। मैं वीडियो में आपको जेन्युइनली एक जो तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ कि टैटू रिमूव कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट रहती है, पहली बार इस भाई के चैनल पर आए हो, पहली बार इस भाई को देख रहे हो, तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने फैमिली का सब बन जाइए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। देखिए दोस्तों, टैटू रिमूव करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि टैटू आखिर होता क्या है, वो इतनी आसानी से रिमूव क्यों नहीं होता है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्या सोचते हैं कि टैटू जिस तरह से बनवाते हैं उसी तरह से आसानी से रिमूव हो जाता है, लेकिन नहीं। ये आप लोग को पता है कि जो लोग टैटू रिमूव करते हैं या करवाना चाहते हैं उन लोग का अच्छी तरह से पता है कि टैटू आसानी से रिमूव बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो आपकी टैटू आर्टिस्ट होती है, जो टैटू की इंक होती है आपकी स्किन की सेकेंड लेयर में वो इंक डिपॉजिट की जाती है, रखी जाती है, जिसके रीजन से आप उस टैटू को रिमूव करने के लिए ना जाने उस पर सिगरेट लगा देते हो, गर्म करके उसे जला देते हो, या अलग अलग तरह के चूना लगा देते हो, या एसिड लगा देते हो, तेजाब लगा देते हो, और आप सोचते हो कि मेरा टैटू रिमूव हो जाएगा। बहुत लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं लेकिन रिजल्ट में उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनकी ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो चमड़ी होती है वो सिकुड़ के रह जाती है, बल्कि वो पार्ट अच्छा दिखने की वजह से देख सकते कुछ इस तरह का दिखता है। टैटू की लेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती, बिल्कुल भी खराब नहीं होता, बल्कि आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो बिल्कुल डैमेज होने की वजह से इतना भद्दा दिखने लगता है। अब क्या करें, हमने इतने सारे प्रोसेस करके तो देख लिए फिर भी हमारा टैटू रिमूव नहीं हो रहा। मैंने आपको बता दिया कि टैटू सेकेंड लेयर में डिपॉजिट होती है, ध्यान से सुनना दोस्तों, सेकेंड लेयर में डिपॉजिट होने का मतलब आपकी जो स्किन की फर्स्ट लेयर है उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है उसके अंदर इंक को डिपॉजिट किया जाता है, रखा जाता है, इसलिए वो जब तक आप उसे अच्छी पद्धति से नहीं रिमूव करवाते तब तक आपको पता वो रिमूव नहीं होता है। तो गाइस ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको बताता ना, अगर आप ये भी देख के मेरे, अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं बता दूं आपको घर पे ही आप टैटू को रिमूव कर सकते हो, तो भाई अगर आपको कोई ऐसा और भी कोई कहता है ना, तो भाई मैं साफ साफ कह दूं आपको वो पागल बना रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टैटू सेकेंड लेयर में डिपॉजिट होता है, आप कितना भी उस पर प्रोसेस करो भाई, कितना भी कुछ करो, जला लो, तेजाब लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका टैटू रिमूव नहीं होगा। कोई अगर कहता है कि घर पे ही टैटू को रिमूव कीजिए, ये यूज कीजिए, लेकिन फिर भी नहीं होगा। अगर यकीन नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता ना दोस्तों, तो आप करके देख लो, आपको अच्छी तरह से उसका रिजल्ट मिल जाएगा और सबसे भद्दा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने टैटू को रिमूव कराने के लिए कुछ रॉन्ग स्टेप ना उठा लो, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि टैटू को रिमूव करके लाइव नहीं दिखाने वाला हूँ, क्या मैं टैटू आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं टैटू के बारे में जानकारी अच्छी रखता हूँ, इसलिए आपको टैटू रिलेटेड वीडियो देता हूँ। अब मैं आपको इस वीडियो में गाइडलाइंस दूंगा एक अच्छी सी, आपको टैटू रिमूव कैसे करवाना है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आप टैटू बनवाते हो ना, तो उसी समय ध्यान से सोच लीजिए, जब भी आप टैटू बनवाते हो तो टैटू रिमूव अगर करवाने के बारे में तो आप सोचते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको टैटू रिमूव करवाना पड़ता है, तो आप भाई चाहो या ना चाहो, अगर आप टैटू रिमूव करवाना चाहते हो तो आपको लेज़र पद्धति से ही आपकी टैटू को रिमूव किया जाता है। जी हाँ, ये आप ध्यान से सुना होगा बहुत जगह, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि मैं लेज़र पद्धति से अपने टैटू को रिमूव कराऊं, लेकिन आपको जेन्युइनली मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप इधर उधर ना भटकें, आप अपने स्किन को ख़राब कर लो, अपने टैटू को ही ख़राब कर लो, तो भद्दा दिखने लगेगा वो स्किन का पार्ट, इसलिए आपको जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ गाइडलाइंस, एक अच्छी राइट गाइडलाइंस दे रहा हूँ, आप कहीं भी ना भटको। अगर आप टैटू रिमूव करवाना चाहते हो, जेन्युइनली आप टैटू को रिमूव करना चाहते हो, तो आपको लेज़र पद्धति का ही यूज़ में लाना। हाँ, अब बहुत लोग लेज़र पद्धति का नाम सुन के उनके माइंड में तुरंत ये रन किया होगा कि लेज़र पद्धति यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
जिस तरह के आपके टैटू का साइज होगा उसी तरह की वहाँ कॉस्ट लगती है। अगर आपका एक दो वर्ड लिखा हुआ तो मान लीजिए 1000 से 2000 रुपए के, दो सेशंस की बात करूँ, 1000 से 2000 रुपए के अंदर आपके लेजर पद्धति से आपका टैटू रिमूव कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका टैटू किस साइज का है, यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करोगे तो वो थोड़ा और कम कर देंगे, जिसके आपका टैटू रिमूव कर दिया जाएगा अच्छी तरीके से। तो आप लेजर पद्धति का यूज करके टैटू को रिमूव करवा सकते हो। एकमात्र बस यही एक सॉल्यूशन है टैटू को अच्छी तरह से रिमूव करवाने के लिए। हाँ, जिन लोगों का मल्टी कलर टैटू है उन लोगों का टैटू एक दो सेशन के बाद, 3-4 सेशन लोगे आप अप्लाई करोगे लेजर पद्धति तभी आपका टैटू रिमूव होगा। लेकिन जिन लोगों की ब्लैक इंक से टैटू बना हुआ है तो भाई चिंता करने की बात नहीं है, दो सेशन में ही आपका टैटू रिमूव हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको बता दी प्रॉपर गाइडलाइंस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ करते हो या नहीं करते हो, कि इधर इधर उधर भटक के बस अपना चूतिया बन जाते हो। भाई मैं, भाई मुझे माफ़ करना, मैं इस तरह के वर्ड का यूज़ कर रहा, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। कोई भी कहता है ना कि मैं घर पे टैटू को रिमूव करवा दूंगा या घर पे टैटू रिमूव होता, तो भाई बिल्कुल आपको वो चूतिया बना रहा है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अपने टैटू को रिमूव करवाना चाहते हो तो जेन्युइनली मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, लेजर पद्धति का ही आपको यूज में लाना होगा। तो गाइस अगर आपको लगता है कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकले गया तो भाई हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन हाँ, लेजर पद्धति का ही यूज से आपका टैटू प्रॉपर रिजल्ट में प्रॉपर तरीके से रिमूव होता है आपके बॉडी पार्ट के ऊपर। तो गाइस ये था आज का कुछ वीडियो। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और पहली बार इस भाई के चैनल पर पहली बार इस भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली का सब बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।